में होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो बोलते हैं मैं आम इंसान ही ठीक हूँ, राखी जी को बोलिए। वो तो उनका बड़प्पन है, वो तो उनका बड़प्पन है कि जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो हमारे बॉलीवुड स्टार कर दिए। बहुत बढ़िया, सही सही कह रहे हैं। वो 10 दिन में ऑक्सीजन का भी कुछ करने वाले नहीं कर पाए, ये तो खुद ही अंदर घर में बैठ के अपने इतने आलीशान मकान में बैठे हुए हैं सारे नेता। और जनता देखो, सब नेता क्या कर रहे, सो रहे क्या कर रहे पता नहीं। मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ क्योंकि राजा नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, राजा सलामत है तो प्रजा सलामत रहेगी। तो गाइज आई रिक्वेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स के भाई आप लोग के पास इतने अरबों खरबों रुपए हैं, आप लोग जो मंत्री बन के इतना कमाते हैं तो थोड़ा जनता में खर्च करो प्लीज़। तो जब भी भूकंप आया हो, बीमारी आई हो, कुछ भी आया हो, सारे बॉलीवुड के स्टार पहले ऐसे खड़े होते हैं और तुम हमारे बॉलीवुड को बुरा बोलते हो। छी 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 लाना थे भाई, कभी भी हमारे बॉलीवुड स्टार को कभी किसी को कुछ मत बोलो। और नेता लोग अभी तुम बहुत सो लिए आराम की नींद, खुद को बचा लिए, खुद के परिवार को बचा लिए, ये जनता आपकी, इन्होंने वोट देकर आपको आगे बढ़ाया है, आपको कुर्सी पर बिठाया है। सो प्लीज़ नेता लोग जागो और जनता पे तुम्हारा जो पुश्तों का रखा हुआ जो गोदाम में पैसे हैं गोनी भर भर के, थोड़ा बाहर निकालो, जनता के लिए ऑक्सीजन, यू नो ऑक्सीजन लाओ, क्योंकि हर इंसान, बहुत सारे गरीब लोग अपना जेवर बेच बेच के ऑक्सीजन ला रहे हैं, जेवर बेच बेच कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं तो ये सरदार लोगों को सल्यूट करती हूँ, जय बोले सोनीहाल, सत श्री अकाल। ये लोग जो है सरदार लोग को मैं इतना इज्जत करती हूँ ना, इनका दिल इतना बड़ा होता है ना, ये बाहर आते हैं और सबके लिए खाना पीना सब लाते हैं। चलो आजा, चलो चलो निकलो यहाँ से, इधर कोई पार्टी नहीं हो रही, चलता निकल, निकला। अच्छी बात है, इधर कोई पार्टी नहीं हो रही है, इधर खड़े मत रहो, कानून का उल्लंघन मत करो, कानून का उल्लंघन मत करो, निकलो यहाँ से, चलो चलो तुम लोग भी निकलो, चलो।